हमें किसी की बंगले पर लाए, पूरे समय आप मेरे साथ रहे, यहाँ तक कि वहाँ के स्टाफ का कार्यक्रम भी था, तिलक समारोह था, वहाँ मैं साथ रहा, मेरे लिए विशेष भोजन की व्यवस्था की गई, आपने मुझे कहीं से अलग नहीं किया। यह व्यक्तित्व सब में नहीं होता है। आज भी हमने कई पहलुओं पर महसूस किया है कि आप एक अच्छे अभिभावक की तरह और आप एक अच्छे दोस्त की तरह हमारे साथ बने रहे। हम लोगों ने अपने 21 वर्ष के इस सेवा कार्य में दो बार हम शैक्षणिक टूर ले गए, जो बच्चे कुछ गए हुए थे लखनऊ और दोबारा दिल्ली गए। मुझे डर था, मैं डरता रहा कि मैं इस शिक्षक टूर को नहीं ले जा सकता, लेकिन फादर ने मुझे हिम्मत दिया और हमारा उंगली पकड़ के उन्होंने, हम उनकी उंगली पकड़ के चलते रहे। फादर जी आगे आगे थे ताकि मैं, और पूरी व्यवस्था को उन्होंने संभाला जो मेरे अकेले बस का नहीं है, इस पूरे मंच से इसके लिए मैं आपको साधुवाद करता हूं। आप जहां भी रहें खुश रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। है दो लाइन में इसको सुनाऊंगा। हाय मर जाएंगे हम तो मिट जाएंगे, ऐसी बातें किया करो आज जाने की जिद ना करो, आज जाने में बैठे रहो, यही पहलों में बैठे रहो, आज जाने किसे बुला करो, आज जाने किसे बुला करो। थैंक यू। हमेशा हमारे पिता की तरह हमारी मदद की है, आपने अपने गुरु के साथ
आपने हमें हमेशा चमक की रोशनी की ओर निर्देशित किया है। आप इस कॉलेज के छात्र छात्रा टीचर स्टाफ के पूरे बैच को प्रेरणा और शानदार विचार देने का स्रोत रहे हैं। आपने हमेशा अनुशासन पर विशेष ध्यान दिया क्योंकि एक स्कूल अनुशासन के बिना कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकता। आपने हमें हमेशा पढ़ाई के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम खेलकूद प्रतियोगिताओं आदि अन्य चीजों में भी भाग लेने का मतलब सिखाया और यही कारण है कि हमारा विद्यालय नाशिक शाहगंज में बल्कि जौनपुर जिले में आप मशहूर है। आप हमारे सबसे ज्यादा आत्मसमर्पित प्रिंसिपल रहे जिन्होंने हमेशा हमें अनुशासन और नियमों का पालन करना सिखाया। आपने हमारे कॉलेज को शिक्षा के क्षेत्र में और अन्य रचनात्मक कार्यों के लिए बहुत अधिक योगदान दिया। आपने अपने सहयोग और रचनात्मक के समय पर शिक्षक के बिना हालांकि हमारी गलतियों पर हमारे साथ पढ़ाई के साथ व्यवहार भी किया है। आपने शिक्षा के क्षेत्र में हमारे कॉलेज का बहुत योगदान दिया है। So, just a note to say, thank you, Father, for all your help, support, guidance, cooperation, and you have shown to us. You are a very special person to all of us. We love you, and we will greatly miss you, Father. Thank you so much for working so hard, showing those children how to work hard for loving and looking after us, and being the best principal, best father, and best teacher. And at last, माना कि ये दौर बदलते जाएंगे, आप जाएंगे तो कोई और आएंगे, अगर आपकी कमी दिल में हमेशा रहेगी, सच कहते हैं फादर, हम आपको एक पल न भूल पाएंगे। और एक रिक्वेस्ट है कि कृपा करके 5 मिनट के लिए अगर आप शांत हो जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और मैं फादर जी के लिए कहना चाहूंगा कि जो कुछ भी मेरे दिल ने आपके लिए एहसास किया है, बड़े फादर जी मैंने ज्यादा कुछ नहीं बहे लिखने का प्रयास किया। सही राह पर चलना सिखाया है आपने, गिरकर भी संभलना सिखाया है आपने। सही राह पर चलना सिखाया है आपने, गिरकर भी संभलना सिखाया है आपने। कितनी भी मुश्किल हो हम आगे बढ़ते ही रहेंगे क्योंकि हर मुश्किल से हमें निकलना सिखाया है आपने। मुश्किल से मुश्किल सवालों के हल दिए हैं आपने, जो कभी ना भुला सकूंगा वो पल दिए हैं आपने। आपने ही मुझे शिक्षा का सही मतलब समझाया है, आपने इस दुनिया को हमें अलग नजरिए से दिखाया है। गुरु नहीं आपने परिवार बनकर साथ दिया है। जब भी हमें लगा कि हम गिरे, आपने हमें हाथ दिया है। कभी सख्त हो जाते हैं तो कभी डांटते धमकाते हैं, पर कभी एक दोस्त की तरह हमें प्यार से आप समझाते हैं। आप हम बच्चों की हर एक बात जान लेते हैं, गुण हो या अवगुण आप पहचान लेते हैं। आपने ही हमें खुद से मिलाया है, हार कर भी हमें जीतना सिखाया है। मुझ ना समझ बच्चे को भी समझदार बना दिया, इस भरी महफिल में बोलने का हकदार बना दिया। आपका ये कर्ज कभी अदा कर नहीं सकता, आपको इस दिल से जुदा कर नहीं सकता। बस आपकी दुआएं और सर पे हाथ चाहता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। और मेरी कविता की जो अंत की पंक्तियां हैं वो है, यही तो राम कहते हैं, यही रहमान कहते हैं, सिखाया आपने जो भी उसे ही ज्ञान कहते हैं। यही तो राम कहते हैं, यही रहमान कहते हैं, सिखाया आपने जो भी उसे ही ज्ञान कहते हैं। हम ना समझ बच्चों को बहुत ही अच्छा बना देते, इसीलिए तो हम सब बच्चे आपको कॉलेज में भगवान कहते हैं। मैंने एक गीत लिखने का प्रयास किया है, आपको देख के लगता है ऐसे ईश्वर के दर्शन करते हो जैसे, आपको देख के लगता है ऐसे ईश्वर के दर्शन करते हो जैसे।
हमारे विद्यालय सेंट थॉमस इंटर कॉलेज में विदाई समारोह था, जिसमें स्टाफ, विद्यार्थी और आसपास के लोगों ने मिलकर मुझे यहाँ से विदाई दी है। मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ इस वक्त। हमारे स्टाफ ने और बच्चों ने सब ने मिलकर बहुत अच्छी तरह से इस विदाई समारोह का आयोजन किया, बहुत ही सुंदर ढंग से, चाहे मेरे बारे में बोलना हो, कार्यक्रम प्रस्तुत करना हो, बहुत ही अच्छे तरह से उन्होंने इस कार्यक्रम को किया। मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही साथ जाते जाते बच्चों से मेरा निवेदन है, हर रोज कुछ ना कुछ जरूर सीखें, नया सीखें, ताकि उससे उनका जीवन कल्याण हो और जिंदगी में तरक्की करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। सभी को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। थैंक यू।